नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कैथे की चटनी। ये सर्दियों में बहुतायत मात्रा में मिलता है ये कैथा। देखिए ऐसा होता है ये कैथा, इसे ऊड एप्पल भी कहते हैं। अब इसकी बनाएंगे चटनी। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और किसी भी स्नैक्स आइटम के साथ इसको खाया जा सकता है। खास करके उबले हुए चने के साथ इसका जायका बहुत ही बढ़िया होता है। अब इसको हम किसी हार्ड सरफेस पे, नीचे फर्श पे, हार्ड सरफेस पे इसको पटक करके धीरे धीरे इसको तोड़ लेंगे। ये देखिए इसको हमने तोड़ लिया है। ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है ये कैथा, और इसका पल्प अब हम निकालेंगे। देखिए अब इसका पल्प यानी गूदा हम इसका निकाल लेंगे। देखिए इसमें बीज भी होता है, मगर ये काफी सॉफ्ट होता है और ये बीज के साथ ही पीसा जाता है इस चटनी को। तो इसका अब हम एक चम्मच की सहायता से इसका जो पल्प है गूदा, इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको आराम से धीरे धीरे करके आप निकाल लें, बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। ये देखिए इस तरीके से हम इसका गूदा पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें लगेंगी। ये यहाँ पे हमारे पास 6-7 कली लहसुन की है, और ये हरे वाले लहसुन की पत्तियां है, ये आसानी से मिल जाती है। अगर ना मिले तो आप लहसुन की कलियां और भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे 2 हरी मिर्चें हैं, मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे धनिया ले ली है, और इसमें नमक जाएगा। इस चटनी को आपको अगर 1-2 दिन में ही खत्म कर लेना है तो आप इसमें 1 प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है चटनी का। मगर हमें यहाँ पे चटनी को ज्यादा दिन चलाना है तो इसमें प्याज नहीं ऐड कर रहे हैं। तो इसको अब हम पीस लेते हैं। अब एक मिक्सी जार में हम यहाँ इन चीजों को डाल देते हैं। एक कैथे का पल्प डाल दिया, लहसुन की कलियां डाल देते हैं, हरी मिर्चों को तोड़ करके डाल देते हैं, और यहाँ पे लहसुन की पत्तियों को भी तोड़ के डाल देते हैं। और हरी धनिया को भी तोड़ के डाल देते हैं। और इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे हमने 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। और इसमें अब डाल देंगे पानी तकरीबन 70 ml, 70 ml पानी डाल दे रहे हैं। पानी, ये चटनी जो है पानी को ज्यादा सोखती है और पीसने में भी आसानी होगी। अब इसको पीस लेते हैं बारीक। ये देखिए यहाँ पे हमने पीस लिया है चटनी को, और इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे चटनी हमारी पिस गई है और हमने इसको निकाल लिया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप अक्सर बना के इसको खाएंगे, बहुत ही बढ़िया चटनी होती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। ऐसी ही मजेदार रेसिपीज के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।